नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं बार्क यानी भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी आई है वर्क असिस्टेंट ग्रेड ए की, जिसको सामान्यतः एमटीएस भी कहा जाता है। तो जो पोस्ट एमटीएस की निकालती है एसएससी, उसी टाइप की सेम पोस्ट निकाली है भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने मुंबई में। ये टोटल वैकेंसी 74 आई है और इसके लिए आप 10th पास होनी चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, आप किसी भी स्टेट के निवासी हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के थ्रू होने वाला है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई हुई है 10th पास कैंडिडेट के लिए। इस वैकेंसी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, पे एज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हम आपको आज बताने वाले हैं इस भर्ती के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1 मई 2019 और इसकी लास्ट डेट है 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करें पोस्ट के डिस्क्रिप्शन की, तो पोस्ट कोड है DR1 और इसका जो नाम है वो है वर्क असिस्टेंट ए। क्या नाम है इसका? वर्क असिस्टेंट ए। वर्क असिस्टेंट ए के नाम से ये पोस्ट आई हुई है और ये ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गजेटेड। पहले ग्रुप डी में आती थी, अब इसको ग्रुप सी में शामिल कर दिया गया है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी 74 आई हुई हैं। इसमें एससी की है 1 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 62 वैकेंसी हैं, 8 हैं सामान्य की और 2 है ईडब्ल्यूएस की। इन 62 जो वैकेंसी हैं ओबीसी की, इनमें से 58 वैकेंसी बैकलॉग की हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं वो है ओबीसी की 62 और बाकी सबकी कम कम आई हुई हैं। इन टोटल वैकेंसी में से 1 वैकेंसी ब्रिट नवी मुंबई के लिए आरक्षित है। ब्रिट यानी बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, ब्रिट नवी मुंबई के लिए 1 वैकेंसी है, बाकी 73 वैकेंसी हैं बार्क मुंबई के लिए। बात कर लेते हैं हम सैलरी की, तो सैलरी आपको मिलेगी 18,000 प्लस अलाउंसेज स्टार्टिंग में और ये टाइम टू टाइम आपकी बढ़ती रहेगी। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 28 से लेकर 27 साल, जो कि 1 जुलाई 2019 को काउंट होगी। तो 1 जुलाई 2019 को आपकी एज 28 से लेकर 27 साल हो जानी चाहिए। एसएसटी को 32 साल की एज तक, ओबीसी को 30 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। बाकी कैटेगरी को भी आई पर रूल रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आप 10th पास होनी चाहिए, यानी आप 10th पास हो किसी भी सब्जेक्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम नेचर ऑफ ड्यूटीज की बात करें, तो इसमें वही सब ड्यूटीज हैं जो एमटीएस को करनी होती है, यानी ऑफिस की साफ सफाई से लेके डॉक्यूमेंटेशन तक ये सब आपको करना होगा। साथ ही जो भी ऑफिस वर्क है वो आपको सब करना होगा। इस वैकेंसी में पीएच कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी इसमें वैकेंसी शामिल है। एसएसटी ओबीसी के अलावा अपर एज में रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट को भी मिलेगा 5 साल का, जो कि जम्मू कश्मीर में निवास कर चुके हैं 80 से लेके 1989 तक। साथ ही जो 1984 के दंगा पीड़ित हैं उनको भी, इसके अलावा एक्सेसमैन है उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट डिपार्टमेंटल हैं उनको भी रिलैक्सेशन अप्रूव दिया जाएगा। विधवा, तलाकशुदा महिला और जो न्यायिक रूप से अलग हो चुके हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन को भी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल दिया जाएगा। जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको एज लिमिट में रिलैक्सेशन 10 साल का उनकी कैटेगरी से अलग दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा वो स्टेज 2 में होगा, स्टेज 1st और स्टेज 2nd। प्री एग्जाम जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, मल्टी चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे 20 होंगे साइंस के और 10 होंगे जनरल अवेयरनेस के। सही के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, गलत के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और जनरल कैटेगरी वालों को 40% से ज़्यादा लाने होंगे और रिजर्व कैटेगरी वालों को 30% से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। और वैकेंसी के अगेंस्ट 4 से 5 गुना की संख्या में कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। जो स्टेज 2 होगी वो होगा आपका एडवांस टेस्ट। इसमें 50 क्वेश्चन वाला आपका पेपर आएगा और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। इसमें मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे और बेसिक इंग्लिश के होंगे 10 क्वेश्चन। तो मैथ के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15, जनरल अवेयरनेस के 10 और बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। सही के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1 अंक काट लिया जाएगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो स्टेज 2 के मार्क्स के बेस पर बनेगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये है और ये जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट को अदा करनी है, यानी जनरल ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट है उनको फीस पे करनी है, बाकी सबको नहीं करनी है। फीस का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा। तो वो कैंडिडेट जो फीमेल हैं यानी महिला कैंडिडेट, इसके अलावा एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं और पीएच कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई भी फी पे
नहीं करनी है, सिर्फ जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट को फीस पे करनी होगी, वो भी मात्र 100 रुपये। जब आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे। फीस का जो पेमेंट है वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है उसी के थ्रू आप करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले मेक पेमेंट ऑप्शन पर जाएंगे। जब आप माई अकाउंट खोलेंगे अपना लॉगिन करेंगे वहीं पर आप मेक पेमेंट का ऑप्शन देखेंगे, वहाँ से आप फीस पे कर सकते हैं। और फीस पे करने के बाद आप उसकी रसीद निकलवा के अपने पास सुरक्षित अवश्य रख लें, साथ ही फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट भी अवश्य निकलवा लें। बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरे जाने हैं, आप recruit.bark.gov.in पे जाके वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 8 जून से लेकर 1 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल फॉर्म मत भरना, अन्यथा आपके सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और साथ ही जब आप रिटन टेस्ट के लिए आएंगे तो अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सारी कॉपीज लेके आएंगे। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सब आप लेके आएंगे, और इसके अलावा जो भी आप क्लेम कर रहे हैं वो सब आप सर्टिफिकेट लेके आएंगे। और आप ये नहीं लाते हैं तो आपका कैंडिडेशन नष्ट कर दिया जाएगा। तो साथियों ये थी जानकारी, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर में वैकेंसी आई है वर्क असिस्टेंट ग्रेड MTS की जो वैकेंसी आई है उनके लिए। इस फॉर्म की लास्ट डेट है 1 जुलाई 2019। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसका जो एग्जाम होगा वो सिर्फ मुंबई में ही आयोजित कराया जाएगा। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।